भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश कई बार मैंने समझाया है अलग अलग विषयों पे बात करते हुए कि किस तरीके से साधना के चरण होते हैं कई बार मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि सन्यास आश्रम जो है वो उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने सब कुछ अर्जित कर लिया हो अघोर उनके लिए होता है जिनके पास सब प्रकार की शक्तियाँ हैं लेकिन वो शक्तियों को त्याग कर देते हैं कई बार मैंने आपको उसको योग के चरणों के हिसाब से समझाया आपको ये भी बताया कि शुरुआत में जाप करते हैं फिर हवन करते हैं फिर ध्यान करते हैं अलग अलग साधना का चरण है लेकिन मुझे एक मेरे बहुत प्रिय शिष्य ने बोला कि एक आम व्यक्ति की भाषा में अगर इसे समझना हो तो कैसे समझे टेक्निकल टर्म्स को हटा के तो उसी विषय पर आज मैं आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ जब सृष्टि का निर्माण हुआ जब पहला बार पहले मनुष्य की संरचना हुई अगर आप उसको समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि साधना का क्या क्या रूप है किस तरीके से साधना में आगे बढ़ा जाता है तो जो कथा है कि महाशून्य से जब महामाया मिली तो एक नाद हुआ ओमकार नाद और उस ओमकार नाद से जीवन की उत्पत्ति हुई और ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई है पंचमहाभूत के मिश्रण से हुई लेकिन इस महाशून्य महादेव प्रकृति महामाया और पंचमहाभूत से जो दुनिया बनी इसके बीच में तीन स्टेप्स हैं और वो जो तीन चरण है वो हमें पता नहीं होता है इसलिए हमें पता नहीं होता कि साधना कैसे करनी है किस समय हमें सोल तक पहुंचना होगा किसी भी चीज़ को आप कूद के नहीं पकड़ सकते जो उसके चरण हैं जो लेवल्स हैं वो क्रॉस करना होता है तो जब महाशून्य में महामाया का मिश्रण हुआ तो एक लाइफ फॉर्म का निर्माण हुआ तो कहा जाता है कि जो महाशून्य है महादेव है वो सोचते नहीं है वो विचारते नहीं है अवधूत अवधूत का जो आपने एक संज्ञा देखा होगा वो सोचता नहीं है वो बाल्य काले में होता है उसमें जब महामाया का मिश्रण होता है तो फिर वो इंटेलिजेंट हो जाती है ये शक्तियां तो सोल मतलब शून्य उसके बाद महामाया मतलब माया उसके बाद तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट आया उसमें वो आया इंटेलिजेंस का मतलब सोचने समझने की शक्ति का जब सोचने समझने की शक्ति आई तो फिर चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट आया वो हुआ अहंकार का कि मैं ये कर सकता हूँ ठीक है और फिर अहंकार हावी होता है आपकी ग्यारह इंद्रिया और पांच तमनत्र पर और जब ये सारे चीजों का मिश्रण होकर के महाभूत में समावेश होता है तो फिर बनता है एक मनुष्य तो जब हम साधना शुरू करते हैं तो परम शक्ति तक वो जो शून्य शून्य महाशून्य शून्य में एक ओमकार जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है वो ब्रह्म तक पहुंचने में हमें ये चार चीजों पर विजय पानी होती है पहली पहले चरण में इंद्रियों पर दूसरे चरण पर अहंकार पर तीसरे चरण पर बुद्धि पर चौथे पे प्रकृति पर और उसके बाद फिर ब्रह्म पर पहुंचते हैं तो इंद्रियों पर जब आपको शक्ति मतलब आपको जब विजय पाना है तो वो होता है योग से योग से और वाइब्रेशन से जो मंत्र का वाइब्रेशन है तो पहला चरण साधना का योग यानी शरीर शरीर की जो इंद्रियां हैं उस पर काबू करना और जो तमनत्र है उसके लिए मंत्र जाप वो वाइब्रेशन वो जो ब्रेन में आपका लॉक है जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा वो सोच वहाँ तक नहीं जाने दे रहा उसको खोलने के लिए मंत्र जाप दूसरा चरण अहंकार का होता है तो हम लोगों में अहंकार को ख़त्म करने के लिए सेवा का एक विधान बनाया गया कि आप लोक सेवा करें जब आप लोक सेवा करेंगे तो आपका बहुत सारा ज्ञान चक्षु खुलता है और जो आपके अंदर का अहंकार है वो स खत्म होता है फिर आता है आपके बुद्धि को बुद्धि का दमन होता है जब आपको ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके लिए ध्यान मार्ग होता है जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो फिर जो आपके पास अभी बुद्धि है वो ये समझ पाती है कि वो कितनी छोटी है ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए और जब ये आप समझ जाते हैं जब आपका वो द्वार खुलता है तो फिर आपको समझ में आता है माया का खेल क्या है आप कहाँ फंसे हुए हो एक बार जब ये माया का खेल खुलता है इन तीन तत्वों को चार स्टेप को पार करने के बाद तो फिर माया माया के समान ही लगती है आप समझ जाते हो कि ये जिस तरीके से जब आप सपना देख रहे होते हो तो कई बार आपको आभास हो जाता है अच्छा ये सपना है और फिर आप उस सपने में ज़्यादा डरते नहीं हो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हो उसी तरीके से जब आप प्रकृति महामाया को समझ जाते हो तो आप सम्भाव से इस पृथ्वी पर विचरने लगते हो और महाशून्य की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति करते हो तो जो आप हैं जो हम हैं वो क्या है हम लोग एक सर्कल में घूमते रहते हैं सबसे पहले हम अहम जीवन जीवन में फिर सुख दुख अब सुख दुख कहां से आता है तो वो आता है आपके मेमोरी से जो आपकी याददाश्त है जो आपकी सोच है किसी मेमोरी को आपने याद किया और फिर आपका जो बुद्धि है वो आपको समझाता है ओहो ये तो बड़ा दुख का क्षण था इसके चलते हमें ऐसा करना चाहिए ठीक है ये बड़ा खुशी का क्षण था उसके बाद फिर माइंड का खेल शुरू होता है जो पहले पांच चरण बताए उसी का फिर देखो आपको भंवर में कैसे फैलाता है फंसाएगा वो तो वो जब याददाश्त है वो याददाश्त फिर आपको मेमोरी बताएगा ये अच्छा है ये खराब है फिर माइंड का खेल आता है वो ईगो को बीच में लाएगा ओहो इसने मेरे साथ अच्छा किया इसके साथ मैं और अच्छा करूँगा इसने मेरे साथ बुरा किया है इसके साथ मैं और बुरा करूंगा फिर आपका असर होगा आपके श्वास पे आप एग्रेसिव हो गए आपका स्वास जो है उसका रफ्तार आगे पीछे होगा और फिर उसका असर होगा आपके शरीर पर और फिर जो आप इस विचार से बने जो आपके श्वास ने आपको बनाया जो आपके शरीर ने विकृतियां पाली वही आप संसार के सामने होंगे और फिर संसार वैसा ही बनेगा आपका आपका इन्वायरमेंट आपका माइंड लेकिन वही अगर आप इसको कंट्रोल करना शुरू करते हो तो फिर आपने संसार को दिया संसार से वापस आएगा संसार वैसा ही आपके शरीर को ट्रीट करेगा आप बुरा करोगे तो आपके साथ और बुरा होता जाएगा उसके बाद आपकी सांसें जो है आपके शरीर का साथ छोड़ने लगेंगी जब आप कमज़ोर होगे जब आप चिड़चिड़े होगे तो और ईगो आएगा आप में आप के पास सिर्फ आ, जो बैड मेमोरीज है वो बढ़ती जाएंगी दुख और बढ़ेगा और आप कभी उस अहम को पार नहीं कर पाओगे ठीक है उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूं इसीलिए ये जो कर्म का खेल है ना ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है मैं हूं मैं सुख दुख में नहीं फंसता मैं पुरानी यादों पर रेटेलिएट नहीं करता मैं अपने ईगो को किसी डिसीजन में नहीं आने देता तो मेरे श्वासों को जो हंगसाह जो मंत्र है वो कभी डाइवर्ट नहीं होगा तो मेरा जो फिजिकल बॉडी है वो स्वस्थ रहेगा और फिर मैं पूरे स्वस्थ भाव से इस पृथ्वी पर विचरूंगा और फिर जब वो विस्का सर्कल बनेगा तो मेरे पास मुझे जो ब्रह्मांड है वो भी बहुत अच्छे से स्वागत करेगा मेरे पास सिर्फ अच्छी यादें रहेंगी मेरे मेरा ईगो जो है उसका कभी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगा और सुख और दुख का अनुभव फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और तब मैं अहम ब्रह्मास्मि हो जाऊंगा तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाऊं कि क्या होता है चरण साधना का ये चीज़ें जब आप आत्मसाध करोगे अपने जीवन में तो फिर आप एक अच्छे सिद्ध साधक हो जाओगे आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि ये महाशून्य आप लोगों को सही दिशा और दशा दे जीवन में जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आसन बंधन ये सब मंत्र सिखाए जाएंगे नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव जिनको अपॉइंटमेंट लेना है वो डब्ल्यू 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 डॉट अखोतर डॉट एक्स वाई जेड पर जाए अपॉइंटमेंट सेक्शन में आप जा करके अपॉइंटमेंट सीख कर सकते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर है कॉलमी फॉर ऐप उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा उससे भी आप बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश